नमस्कार, मैं हूँ अवधेश और आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, यानी कल गणपति बप्पा का सबके घरों में आगमन होने वाला है। कहीं ना कहीं 2 साल बाद लोग ये फेस्टिवल मनाने जा रहे हैं, क्योंकि 2 साल तक कोरोना की वजह से गणपति महोत्सव में काफ़ी कमियां देखी गई थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र का ये सबसे बड़ा त्यौहार ये मनाया जाता है और ये भारत के कई हिस्सों में भी मनाया जाता है। तो आज हमारे साथ में भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अजय सिंह राजपूत, आइए इनसे बात करते हैं गणपति महोत्सव के बारे में और राजनीति के बारे में, क्योंकि मनपा चुनाव आने वाला है। सर, क्या कहेंगे गणपति महोत्सव, कल गणपति बप्पा का आगमन होने वाला है? सभी गणेश भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये 2 साल बाद, तकरीबन 2 साल बाद गणेशोत्सव हम मना रहे हैं और महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पर्व है ये, तो गणेश भक्तों में बहुत खुशी है और हम लोगों में बहुत उत्साह है कि हर घर में बप्पा आ रहे हैं, हर मंडल में बप्पा आ रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है। क्योंकि 2-4 दिन से अभी भी अगर आप देखेंगे रोड पर निकलेंगे तो ढोल ताशे और गणपति बप्पा मोरिया के नारे भी लग रहे हैं। सर, देखिए, हर सनातनी त्यौहार, हर हिंदू त्यौहार धूमधाम से मनाया जाना चाहिए और मैं सभी हिंदू भाइयों से कहता हूँ कि अपने त्यौहार को धूमधाम से मनाइए और मनना भी चाहिए। अच्छा सर, अब ये तो बात हो गई, बप्पा का आगमन कल होने वाला है, मनपा चुनाव आने वाला है, तो भाजपा की जो रणनीति है किस तरह से रहेगी मीरा भाईंदर में? रणनीति सकुशल बहुत बढ़िया है और वीर कार्यकर्ता भाजपा के सब जगह लगे हुए हैं और इस बार जो हमारे अध्यक्ष महोदय का नारा है 80 पार का, तो वो पूरी तरह से पूरा करेंगे। कुछ दिन पहले हमने जब जिला अध्यक्ष रवि व्यास से बात किया था, उन्होंने एक बात कही थी कि भ्रष्ट मुक्त नेता चाहिए आने वाले मनपा चुनाव में, जो समाज सेवक हैं ऐसे लोगों की ज़रूरत है समाज में, आपका क्या राय है? मैंने कहा ना, हमारे वीर सिपाही जो हैं भाजपा के कार्यकर्ता, वो पूरा भ्रष्टाचार मुक्त मीरा भाईंदर करेंगे और भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं है इस मनपा चुनाव में, तो सबने कमर कस लिया है और ये आपको दिखेगा कि अब भ्रष्टाचार मीरा भाईंदर में नहीं चलेगा। तो युवाओं को भी इस बार मौका दिया जाएगा? ये तो अध्यक्ष महोदय और शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा, लेकिन ज़रूर मौका दिया जाएगा। जो संगठन के साथ थे, संगठन के साथ हैं, उनके बारे में संगठन सोच रहा है। अच्छा, दूसरी बात, मीरा भाईंदर में और भी पार्टियां हैं, चाहे शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे कांग्रेस हो, कहीं ना कहीं शिवसेना में दरार पड़ चुकी है, क्या उसका फ़ायदा मीरा भाईंदर में भाजपा को मिलेगा? देखिए, हम इनसे उनसे फ़ायदा लेके काम नहीं करते, हम तो भारतीय जनता पार्टी को जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी के ही बारे में बात करेंगे, तो हम खुद इतने ताकतवर हैं, हमारे कार्यकर्ता ताकतवर हैं, हमारे साथ समाज है, सर्व समाज है, तो हमें दूसरे की ज़रूरत ही नहीं है, किसी के कंधे पे बंदूक रख के हम नहीं चलाएंगे और इस शहर में हम फिर से जो 80 पार का नारा है उसको लाएंगे और महानगर पालिका में भाजपा की सरकार बैठेगी। सुनने में तो ऐसा भी आया है कि आने वाले मनपा चुनाव में आप भी इलेक्शन लड़ने वाले हैं? नहीं, ऐसा कोई विचार तो नहीं है, सेवा शुरू से करते आ रहा हूँ और सेवा करता रहूँगा, चुनाव तो फिर आएंगे फिर जाएंगे, लेकिन ये जो सेवा भाव है, सनातनी भाव है, हिंदुत्व का भाव है, ये सदैव जागृत रहेगा हृदय में, चुनाव की तो अलग विषय है। गणपति बप्पा के जो, जैसे कि गणपति बप्पा का आगमन तो कल होने वाला है, तो सभी गणेश भक्तों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि हर सनातनी त्यौहार आप मनाएं और ख़ास करके हिंदू जो त्यौहार हैं, और मैं सभी गणेश भक्तों से कहूँगा कि इस बार जो 2 साल का कसर है उसको पूरा करें और खूब धूमधाम से मनाएं। ये तो थे अजय सिंह राजपूत, प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य, जिन्होंने सनातन धर्म को ज़्यादा तवज्जो देते हुए लोगों से एक अनुरोध किया है कि सनातन धर्म के सभी त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाए, और आने वाले मनपा चुनाव में एक बात कही है कि जो भ्रष्टाचार नेता थे ऐसे लोगों को कोई जगह नहीं मिलेगी, और जो लोग समाज के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं उनकी सेवा करने के लिए, उनको जरूर मौका दिया जाएगा आने वाले मनपा चुनाव में। और जो रवि व्यास का नारा है, इस बार 80 पार, उसे जरूर करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसमें कमर कस चुकी है। बॉन्ड इंडिया के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट।